अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाई विजन एसोसिएट बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मुबशर उमर। आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद द ग्रैंड जामिया मॉस्क के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग वीडियो, दिस इज़ नॉट अ सेल्स वीडियो, इट इज़ जनरली इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर आवर व्यूवर्स। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। खाना काबा और मस्जिद नबी के बाद एशिया की सबसे तीसरी बड़ी मस्जिद बहरिया टाउन कराची में इस वक्त तमीर के आखिरी मराहल में है। आज इस वीडियो में हम ग्रैंड जामिया मॉस्क के आर्किटेक्ट, इसके बिल्डर, वर्शिपर्स की कैपेसिटी, रूम साइज़, ईच एंड एवरीथिंग और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके आर्किटेक्ट के हवाले से। तो पाकिस्तान के टॉपेस्ट आर्किटेक्ट मिस्टर नैयर अली दादा इस ग्रैंड जामिया मॉस्क के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग की है। और अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुगलिया दौर और इस्लामी आर्ट के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। 80 एकड़ पर डिज़ाइन की गई इस मस्जिद के सहन में सन प्रोटेक्टेड अम्ब्रेलाज, जैसा कि आप देख सकते हैं मस्जिद नबी के सहन में लगाई गई हैं, सेम उसी तर्ज की अम्ब्रेलाज इस मस्जिद के सहन में भी लगाई जाएंगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इन अम्ब्रेलाज की पहली शिपमेंट जो है वो आ चुकी है, जो कि बहुत जल्द यहाँ पे नस्ब होने जा रही है। और अगर हम ग्रैंड जामिया मॉस्क में वर्शिपर्स की कैपेसिटी की बात करें तो बैक वक्त यहाँ पर 8 लाख से ज़ायद अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने और इबादत करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी, वो जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी है, वो भी ऑपरेशनल हो चुकी है। यूनिवर्सिटी के अलावा इसमें एक इस्लामिक सेंटर और इस्लामिक लाइब्रेरी भी है, जिसमें कि 5 लाख बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के तौर पर इसके अंदर सिंधी फनपारों में सिंधी ग्लास और वुडवर्क का बेहतरीन काम किया जाएगा। ग्रैंड जामिया मॉस्क में इस्तेमाल होने वाला सारा मार्बल, जो कि तकरीबन 20 लाख मुरब्बा फुट के हिसाब से बनता है, वो सारा बलूचिस्तान से लिया जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि फनपारों और खूबसूरती से मुजयन पाकिस्तान के अंदर एक और खूबसूरत मस्जिद तैयार होने जा रही है, जो कि बहरिया टाउन कराची के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक प्लस पॉइंट है। बल्कि आप यूं समझ लें कि बहरिया टाउन कराची की तरफ से ये मस्जिद पाकिस्तान के लिए एक गिफ्ट है, जो कि पाकिस्तान में सियाहत को मजीद फ़रोग देगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहरिया टाउन कराची में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबशर उमर को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।